विघ्न विनाशक सुखकरं नमो शुद्ध शिव गुरु। मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ 23 नंबर 311। ये प्रश्न हमने कल करके छोड़ा था। यह प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तब फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है, इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न पहले दूसरे अधिकार में भी उठाया था, पर ये कर्म बंध की अनादि परंपरा समझाने के लिए समझाया था। अभी क्या क्या चीजें, ये दो कर्मों की बात करी है, कौन कौन से? द्रव्य कर्म और ये द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, पेटी, आयु, खाम, क्रोध, ये आठ प्रकार के जो पौद्गलिक कामान वर्गणाएं हैं, जो जीव से संबंध, जीव से एक क्षेत्र होगा अपन पद्धति है, जीव एक क्षेत्र होगा रूप से जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। एक क्षेत्र होगा रूप से ये जीव के साथ क्या है? अटैच है, स्वयं क्या? उद्गल है। द्रव्य माने उद्गल, भाव माने जीव, ध्यान रखना। द्रव्य माने किसकी पर्याय और भाव माने, जैसे द्रव्य आश्रय बंध संबंध मोक्ष कहते हैं, वहां भी यही लगा कि द्रव्य माने उद्गल की तरफ से बात, कर्मों का आना ज्ञान आना भी आठ कर्मों का आना और आत्मा में मूलाग्निश की उत्पत्ति होना। तो आत्मा में मूलाग्निश की उत्पत्ति क्या है? भाव। और ज्ञान आदि कर्मों का आना, आत्मा में वितराग भाव की उत्पत्ति क्या है होता? भाव बंध, भाव आशो, आत्मा में वितरागता की उत्पत्ति, कौन सा संबंध? आत्मा में वितरागता की वृद्धि, कर्मों का एक देश छह होना, द्रव्य निर्जरा, कर्मों का आत्मा के साथ में एक क्षेत्र संबंध को प्राप्त होकर बंध जाना, बंध द्रव्य बंध, समझ में है ना? कर्मों का समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, है? ये द्रव्य मोक्ष है। और आत्मा में पूर्ण शुद्धता मतलब वितरागता की उत्पत्ति हो जाना, पूर्ण शुद्धता का प्रकट होना, भाव भाव। अब ये तो इतना था, मतलब ये तो आनी चाहिए ना, पूरा मोक्ष प्रकाश हो जाएगा। और सात तत्व की कोई परिभाषा पूछेगा, द्रव्य आश्रय बन सर्व निजरा मोक्ष, भाव आश्रय बन सर्व निजरा मोक्ष, तो गया तो क्या हुआ? ये सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है कि कर्म की तरफ से बात करें, मैंने उद्गल की तरफ से बात करी, उद्गल की तरफ से बात करी तो द्रव, जीव के भाव की तरफ से बात करी तो भाव, क्या आत्मा में मोर आदेश की उत्पत्ति माने आत्मा के भाव में हुआ ना एक आदमी, तो इसलिए भाव आश्रय, आत्मा में वितराग भाव की उत्पत्ति, ये भाव की तरफ से बात की इसलिए भाव संवर्ग, आत्मा की बात करो तो भाव, और कर्मों की तरफ से बात करो तो द्रव्य। अब ये जीव क्या करता है? कर्मों की तरफ से समझता है, जैसे यदि आश्रय कर्म संबंध जरा बहुत समझना भी होगा, कर्मों का आना, कर्मों का बन जाना, कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का एक देश होना और कर्मों का मोक्ष, कर्मों का प्रचार,
अरे तूने क्या समझा, मतलब सब कर्म ही कर्म की बात करी, तेरा रोल क्या है? अपना तो कुछ नहीं, अपन तो करो क्या, अब ये अपन बैठे हैं, कर्म आ गए, बंद गए, फिर आने रुक गए, फिर आने चले गए, थोड़े थोड़े खेलने लग गए और एक दिन चले गए, तो तेरा पुरुषार्थ क्या हुआ? तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तेरा रोल क्या है? क्योंकि वो तो कर्म तो पादर्व है, यदि वही आते हैं अपने आप, अपने आप बनते हैं, अपने आप आकर उठ जाते हैं, तो फिर हमारा तो कुछ पुरुषार्थ रहा ही नहीं, अरे संसार में भी हमारा कोई अपराध नहीं है, और संसार हमारा कोई अपराध नहीं है, तो मोक्ष भी हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, अरे संसार भी अपने आप कर्म संसार करा रहे हैं और कर्म ही मोक्ष करा रहे हैं, अपना कोई रोल ही नहीं ना, अगर कर्म की तरफ से बात करते तो सब कर्म मुख्य हो जाता है और जीव गौण हो जाता है। अरे मोक्ष की परिभाषा 99% लोग यही देते हैं, मोक्ष माने का आठों कर्मों से रहित हो जाने का नाम, आठों कर्मों से रहित हो गया तो इससे इससे आत्मा में क्या हुआ? कर्म से रहित हो गया आत्मा मोक्ष हो गया, कर्म से रहित हो गया हुआ क्या आत्मा में? अरे आत्मा की पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना, अनंत गुणों के प्रकट हो जाना, वीतरागता की उत्पत्ति, वीतरागता की प्रकटता, उसका नाम मोक्ष है कि कर्मों के क्षय का नाम मोक्ष है? बताओ बल किस पे अपना? अरे हम सात तत्व भी समझते हैं तो सात तत्व में भी सब उद्गली उद्गल की तरफ से बात होती है, नाव का उदाहरण देख के अपन समझते हैं ना, कल नाव में पानी आ गया, आश्रय हो गया, नाव में पानी आके रुक गया तो क्या हो गया? बंद हो गया, नाव में पानी आना रुक गया, नाव में पानी थोड़ा थोड़ा निकाल दिया, पूरी नाव से पानी अलग हो गया, वो किसका हुआ? नाव टकरा दिया और खुद अपन तो बोले कोई है क्या? नाव कोई मोक्ष जाएगा ऐसे ही, फिर अपन कर्मों पे घटाते हैं होंगे कर्मों का आना वाना, लेकिन भाई कर्म तो ठीक है, कर्म तो रिजल्ट है, कर्म तो अपना अपराध है, मतलब अपनी बात करें ना हम कि अपराध हम कर रहे हैं और कर्म तो उसके कारण बंध रहे हैं, और निरपराध दशा होगी तो कर्म नहीं बंधेंगे, तो अपनी अपराध और निरपराध दशा की तो बात करें नहीं, और कर्म की तरफ से बात करें तो सारी चीज मुख्यतः कर्म की हो जाती है, तो बस अब कर्म को ही अपने को, मतलब कर्म ही अपने को मोक्ष में आड़े आ रहा है, तो कर्म ही जिस दिन अगर हट जाएगा मोक्ष जाएगा, तो सब कर्म ही कर्म का हुआ, अपना क्या हुआ? इसलिए हर एक बात करो तो अपनी बात करो अपनी मुख्यता से, मोक्ष किसको होना है? मुझे कि कर्म को मोक्ष लेना है, मोक्ष किसको प्राप्त करना है? मुझे अपने खुद को, मैं जीव तत्व हूँ, मुझे मुक्ति की प्राप्ति करना है, मैं एक स्वतंत्र इस विश्व में एक अकेला तत्व हूँ क्या? और यदि मैं प्राप्त नहीं करूँगा तो इस संसार में अकेले ही घूमूंगा, कोई यहाँ पे मेरे दुख में सहायक होने वाला नहीं है, इस अनादि अनंत संसार में मैं अकेला ही हूँ, यहाँ कोई मेरा नहीं है, वस्तुतः इस जीव का कोई नहीं है, ये सब कुटुंब कबीला ये कोई साथ जाने वाला नहीं है, ये सब धन संपत्ति परिवार कुटुंब ये सब का सब यही पड़ा है, जीव को अपनी यात्रा अकेले ही करनी है, हर एक जीव अपनी यात्रा अकेले कर रहा है, अभी भी अकेले ही है, लेकिन अपने को अनुभूति होती क्या अकेले? बहुत संघ है हम, अब तो इतने सारे हमारे संघ है, कितने सारे एक तो मेरा समाज का बहुत बड़ा रिश्ता है, एक समाज है मेरा बहुत बड़ा, मैं इस समाज का हूँ, तो मेरा एक तो बहुत बड़ा समाज का सर्कल है, फिर हमारे एक स्वाध्याय का सर्कल है, फिर पूजा का सर्कल है, फिर हमारे मोहल्ले का है, सोशल ग्रुप का है, फिर हमारे और भी धंधे का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, तो बहुत बड़ा है मेरा सर्कल, ये सब तेरे साथ जाएंगे, हाँ बहुत सारे ग्रुप है बहुत सारे, लेकिन तू वास्तव में विचार किया जाए तो तू तेरा अकेला ही है, तू इस संसार में कोई नहीं है तेरा, तुझे तेरी यात्रा तुझे ही नहीं, हर एक जीव को अपनी यात्रा, हर एक जीव अपनी यात्रा अकेले ही तय कर रहा है, हर जीव ये भ्रम में बैठा हुआ है कि मेरा बहुत से कनेक्शन हो गया है, कनेक्शन लेस है,
अभी अपने कर्म का उदय आ जाए क्या करेगा, कनेक्शन बीमारी हो जाएगी, कनेक्शन क्या करेगा, कर दे कनेक्शन क्यों। सब बहुत सारे 50 ग्रुप का मेंबर था, 50 जने आके देख जाएंगे तेरे को और क्या करेंगे इससे ज्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा। होना जाना तो अपने उदय से, 50 हो चाहे 100 हो, जो अपना उदय है उसका फल अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा कुछ नहीं करने वाला। शुभ अशुभ सारे कर्मों का फल जीव अकेला ही भोगता है। इस संसार में व्यर्थ थी ये जीव भ्रम से परब्रह्म को अपना कहता है, अपना मेरा मेरा कहता है, मेरा मेरा कहते हैं बकरी जैसा मां मत कर करके मर जाते जैसे विरोधी अपनी यात्रा अकेले कर रहे हैं कि कोई है उसके साथ, कि हाँ है ना साहब अनंत जी एक साथ जन्म रहता, अनंत एक साथ जन्मते से साथ हो जाता है क्या, एक अस्पताल में 50 बच्चे एक साथ पैदा हुए तो क्या उनका कोई कनेक्शन हो गया, ऐसे एक शरीर में अनंत पैदा हो जाए संबंध आपस में कुछ नहीं, कुछ नहीं कोई संबंध, संबंध रहित ही व्यवस्था सबसे बढ़िया है, संबंध की व्यवस्था, संबंध में तो कितनी आकुलता है क्या, संबंध हो तो सबकी आकुलता, मैंने यदि हम सब साथ साथ जाते रहे तो अपने अनंत काल तक आकुलता ही आकुलता रहे। अभी अपने को पक्का पता है कि अपने 25-50 साल ही जीतना है यहाँ पे, तो भी कितनी आकुलता है कि नहीं, और अभी ये पता चल जाएगी ये सब अपने साथ अगले भाव में भी साथ जाएंगे, सुख मिलने की जगह दुखी पड़ेगा क्या, जब पत्नी अभी लड़ रही थी वही अगले भाव में, भाई कुछ तो चेंज चाहिए आदमी को क्या, नहीं तो करें भाई, अपने हिंदुस्तान में कम से कम ये व्यवस्था है कि वो जन्म से मरण तक साथ रहते हैं, और वो एक जन्म से मरण तक तो आदमी निभा सकता ठीक है जो भी, लेकिन अनंत भाव तक का साथ, तो ये सुखरूप है कि दुखरूप अवस्था, वही के वही सबकी ध्यान रखो आप, ये नाराज तो नहीं लगते अगले भवन की तकलीफ, इसका ये हिसाब हो गया, मतलब आप चिंता से रहित ही नहीं हो सकते कभी, जैसे परिवार वाले हैं कभी पत्नी बच्चे बच्चा पसंद नहीं आ रहा है क्या, तो ठीक है 10-20 साल का संबंध है छूटना ही है परिवार में जो भी है, मैंने जो भी संयोग है हमें सोचते हैं कि चलो संयोग कितने काल के लिए, थोड़े काल, लेकिन यदि संयोग का संयोग अनंत काल तक बना रहे तो इनकी कहाँ कहाँ तक हम चिंता करेंगे अनंत काल तक। और दूसरी बात ये कि अत्यधिक परिचित वस्तु में अरुचि हो जाती है, समझ में ना, तो इसलिए ये संसार का एक नियम है कि ये संसार में हर जीव अपनी अकेली यात्रा कर रहा है, कर रही है, जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी अकेले ही सुख दुख को भोगता है, और किसी का क्या, और किसी की क्या बात करें, और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदी होगी, एक दिन देह जुदी हो जाएगी, कमला चलत न पेड़ जाए, कमला कहां तक साथ में जाएगी, कमला कौन, कमला माने स्त्री, कमला स्त्री को कहते हैं, स्त्री का साथ कहां तक है, पेड़ी तक, स्त्री पेड़ी से आगे नहीं जाती, मरघट में थोड़ी जाती स्त्री, स्त्री पेड़ी तक ही जाती है, और परिवार का साथ मरघट तक परिवार, और वहां भी कोई तेरे को नहीं रो रहे, अपने अपने सुख को रो रहे, हर आदमी अपने अपने सुख को रो रहा है, पत्नी रो रही है, तो बच्चे हैं इनकी देखभाल कौन करेगा, इनको खिलाएगा कौन, क्या मेरे को कौन खिलाएगा, धन कौन लेके आएगा, क्या होगा, अपनी सोच रही हो, वो तो है उसका क्या हुआ, वो कहीं काम धड़क निकल तो कोई विचार भी नहीं करता उसका, तो क्या अपने अपने सुख को लो, पिता पुत्र दाल सब हो रहे अपने अपने सुख को, पत्नी पति पिता पुत्र सब अपने अपने सुख को, पुत्र कहता है हाय मेरे पिताजी चले गए,
अब मेरा पालन पोषण करते हैं पिताजी। दारा माने दाव, दारा दारा माने पत्नी स्त्री, पर दार वैसे दार और दारा, पर दारा, पर दारा होए न सीनी स्त्री, स्त्री पर स्त्री। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र से, जो मेले में पंती जन मिली ने फिरे धरते। मेला है तो सब दिशाओं से अलग अलग आगे इकट्ठे हो गए, किसी का कुछ नहीं मालूम है कौन किस गति से आया, किससे अपना पहले क्या रिलेशन था, क्या कौन अपना क्या था, कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, क्या था, कुछ भी कोई आग छोड़ नहीं है। कौन किस गति से आया है, किन परिणामों से आया है, कहाँ से किस प्रकार से यहाँ आके पैदा हो गया, पीछे क्या करके आया है, किसका कितना, कुछ कुछ नहीं मालूम है। है कुछ मेला इकट्ठा हो गया है, चारों दिशाओं से पक्षी आके, चारों गतियों से पक्षी आके, जीव पक्षी, जीव पक्षी आके यहाँ इकट्ठे हो गए, चीप इकट्ठे लग गए, पक्षी पक्षी आ जाते ना एक जगह इकट्ठे हो गए, चार 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 एक मेले में सब जने आके इकट्ठे हो गए, बस आपस में एक दूसरे की हाय लोग पूछते कैसे भैया, राम राम। मेला है मेला और कुछ नहीं है, क्या थोड़े से समय का मेला इकट्ठा हो। जो तरुवल पे, जो मेले में पंथी जन मिले नए फड़े धरते, जो तरुवल पे रेल बसेरा, रेल माने रात्रि को बसेरा करते पंछी आ करते, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछिया, रात है, एक रात है, बहुत कम टाइम है, रात अपनी निरंतर बीत रही है, सुबह होने वाला है, और सुबह होते ही सब पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे। जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछिया करते, कोस कोई दो कोस कोई, फिर थक थक हारे जाए अकेला, अकेला हंस को सब अकेला हंस कर इस जीव को अपनी यात्रा अकेले करनी, पत्नी पुत्र कोई साथ नहीं जाने वाला, और अच्छा है साथ नहीं जाए तो हमारे दरवाजे सबको मरना पड़े, साथ नहीं जाए तो अच्छी बात ही है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, नहीं तो फिर साथ नहीं, सबको साथ जाना चाहिए, साथ जाना चाहिए क्या मतलब, मतलब मैं मरूँ तो उस दिन सब मरे, बच्चा भी मरे और पत्नी भी मरे, साथ साथ क्यों मेरे साथ साथ, पत्नी से पूछो कि चाहिए चल ना, ये मेरे तो कैंसर हो गया तू भी चल, मैं क्या चल, तुम जाओ, बच्चों को पूछो तुम भी चलो भैया, अपन में सब में साथ साथ की भावना वही थी कि पिताजी वो तो अपन क्या क्या थे साथ साथ, लेकिन इससे नहीं साथ क्यों, अभी अभी कहते हो कहते ही नहीं, अपन कह दो अपन साथ साथ की भावना होता है, चलो मंदिर चलो साथ साथ, कि नहीं उसमें अकेला मन है कि नहीं, वो आप अपना करो धर्म, हम तो यहाँ पे बैठ के अभी हमारे बहुत सारे काम है, घर व्यस्ती बच्चों की देखभाल करनी है, टीवी का प्रोग्राम आएगा सीरियल को करना है, मिठाई नमकीन बनाना है दिवाली का, अभी क्लास बंद होने वाली है आपके साथ मिठाई नमकीन के चक्कर में, क्या एक साथ में पंडितों को हलवाई, मतलब एक हलवाई भी हायर कर लेना चाहिए सब भाइयों के, तुम चिंता मत करो तुम्हारी मिठाई आ गई बंद, ताकि क्लास तो बंद नहीं हो कम से कम, साथ में एक घंटे क्लास हो इधर हलवाई बनाता नहीं तो बाद में सबको गिफ्ट तो इसलिए क्या है कि यही देखते हैं अपन सब अलग अलग अपने अलग अलग रास्ता तय करते हैं, तो जीव अकेला है, लेकिन फिर भी जीव को जो है पता नहीं क्या है कि वो जब भी बात करता है वो साथ से ही बात करता है, या तो द्रव क्रम से जोड़ेगा, शरीर से अपने को जोड़ेगा, किसी न किसी से जोड़ेगा,
जीव जीव की तरफ से बात नहीं करते, जबकि बात कहाँ से होना चाहिए, जीव की तरफ से। मुक्ति किसको करनी है, जीव को, और जीव मुक्ति नहीं करेगा तो क्या होगा उसका, घूमेगा, तो उपाय नहीं है इसके अलावा। आप सोचोगे हम मोक्ष का उपाय नहीं करें, तो नहीं करें तो इसका मतलब क्या है, संसार घूमे अनंत काल तक। तो इसलिए ये मुक्ति जो है, मैंने आत्मा की मुक्ति, मैंने आत्मा के मोह राग द्वेष का अभाव, उसका नाम मोक्ष है। और आत्मा में वितरागता की उत्पत्ति संवर निद्रा है, उत्पत्ति संवर है और वृद्धि निद्रा है। और रागादि भाव की उत्पत्ति आश्रम है, और रागादि भाव का रहना उसमें रागादि भाव की निरंतरता वो क्या है, बंद है। ये भाव की तरफ से बात, तो ये जो भाव है, भाव बंद है मतलब भाव तत्व है, ऐसे भाव कर्म तो मोह राग द्वेष भाव ही भाव कर्म है, और असली कर्म तो वही है। और उनके निमित्त से क्या होता है, द्रव्य कर्म बनते हैं, मतलब हम अपराध करेंगे तो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे उसका उदय आएगा, उसमें फिर जुड़ान करेंगे, फिर अपराध करेंगे, फिर नए कर्म बनेंगे, फिर कर्म का उदय आएगा, फिर जुड़ान करेंगे, फिर नए भाव करेंगे, नया कर्म बनेगा, साइकिल चलती रहेगी। तो इस साइकिल का कोई अभाव भी हो सकता है क्या, ये वाद्य प्रश्न किया, ऐसा लगता है कि ये साइकिल एंडलेस है, इस साइकिल का कभी नाश नहीं हो सकता, वो ऐसा बहुत लोग मानते भी। कुछ मत है जैन मत के अलावा जिनका ये मानना है कि जीव का संसार में रहना ही स्वभाव है, मतलब मुक्ति संभव ही नहीं है, वो कहते हैं मुक्ति होती नहीं, मतलब जीव संसार नहीं रहता। और मुक्ति है भी तो दो चार की फिक्स की, एक तो वो कृष्ण जी है मतलब ब्रह्मा है, एक विष्णु है, महेश है, अब ये सब मुक्त है। अब इनको मुक्त किसने बनाया, कि भले बनाए मुक्त, तो भले बनाए मुक्त तो भी ये बार बार आते क्यों, कि ये तो यही संसार में इनके भक्त लोग थोड़ा गड़बड़ करने लगते हैं, तो इनको ठीक कर ले। तो मैंने कहा ऊपर से ठीक कर दे, वो नहीं नहीं वो ऊपर से उनके नहीं चलती है, तो यहाँ आना पड़ता हूँ क्या, यहाँ आते हैं और फिर सबको सब व्यवस्था ठीक कर जाते हैं। जब संसार में पाप खूब बढ़ जाता है, ये वो है ना, यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो वो भगवान ऊपर से आते वो आ जाते हैं, जो करते हैं वो ऐसा वो मानते हैं कि अपन तो सब रागी द्वेषी रहेंगे, और अपन तो सब जो है भगवान के बनाए हुए संतान है, इसलिए अपने को तो राग द्वेष से मुक्त होने का कोई चांस ही नहीं है। और वो भगवान को वीतरागी भी कहते हैं, और वो कर्ता धर्ता भी कहते हैं, वो जो भी है, मतलब ये ऐसे मत है जो भगवान जो आत्मा को वीतरागता की प्राप्ति हो सकती बात मानती नहीं, जबकि अपन कहते ऐसा नहीं है, आत्मा वीतरागी होता है। कि भगवान कोई अलग नहीं थे, कि महावीर और पार्श्वनाथ और चौबीसों तीर्थंकर ये पहले पूर्ण भाव में हमारे जैसे ही थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया राग द्वेष के भाव का, क्रम क्रम से पुरुषार्थ करते हुए भगवान को, और नहीं करोगे तो क्या करोगे, संसार में मोह राग द्वेष भाव से घूमते रहोगे, क्या करोगे, मतलब और कोई सेकेंडरी कोई का और कोई चाह ही नहीं है। जैसे कोई चाहे कि संसार में लेके मैं सुख की प्राप्ति कर लूंगा, तो कहते हैं संभव ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि साहब वो संभव तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि मोक्ष भी संभव नहीं, क्योंकि द्रव्य कलम का उदय आता है तो भाव हो ही जाते हैं। अब देखो कितने ही कुछ हो, हम कितने ही सुन के जाए, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है फिर भाव ऐसी हो जाता है, कलम का उदय आ जाता है, क्या करें साहब, और फिर भाव हो जाते हैं तो फिर नए कलम बन जाते हैं, फिर नए कलम का फिर उदय आ जाता है, फिर वैसे ही भाव होते हैं। तो ऐसा लगता है कि साइकिल से निकलने का कोई रास्ता नहीं, ऐसा लगता नहीं कभी अपने अंदर से सोचो गहराई से इस बात, ये प्रश्न को अंदर से गहराई से उसको उठा, कि हमें लगता है कि कर्म के उदय में तो भाव हो ही जाते हैं, और जब भाव होते हैं तो नया कर्म बन ही जाता है, और नए कर्म के उदय में फिर भाव होंगे, मतलब द्रव्य कर्म, मतलब नए ज्ञानवर्णाधिक आठ जो पौद्गलिक कर्म है उनको कहा है द्रव्य कर्म, और वो कैसे बनते हैं, भाव कर्म से, वो राग द्वेष के भाव क्या है, भाव कर्म। तो ये संतति निरंतर चला करती है, तो इस संतति का अभाव कैसे हो, इसलिए मोक्ष का उपाय कैसे बने, तो उसका समाधान, कर्म का बंद व उदय का उदय सदा काल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही। पेज नंबर 311 नीचे से सेकंड पैराग्राफ समाधान, कर्म का बंद व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसे ही, तब तो ऐसे ही।
मैंने कलम का जैसा उदय आए और वैसे ही बंद हो, और जैसा बंद हुआ वैसे ही उदय आए और फिर उससे वैसे ही बंद हो, तो वैसा का वैसा बंद उदय चलता रहेगा तो कभी भी संसार का अभाव नहीं हो सकता। तब तो तेरी बात बिल्कुल सच्ची है कि हाँ बात सही है भैया कि परंपरा चलती रहेगी, कैसे मुक्ति का उपाय मिलेगा। जैसे समझ लो किसी ने कर्जा लिया और जितनी उसकी आय है ठीक उतना ही ब्याज है, जितनी आय है उतना ही ब्याज है, तो वो कभी कर्ज से मुक्त हो सकता है? आमदनी और खर्चा बराबर है तब क्या होना है? कुछ नहीं, सदा काल क्या रहेगा? कर्ज का किसान ऐसा लगता है कि मुक्ति का इससे उपाय नहीं, कर्ज से मुक्ति का, क्यों? जितना कमाता हूं सब ब्याज में चले जाता है, बचता क्या है? कुछ नहीं बचता, मेहनत और मेरी चली जाती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब ये इससे निकलने का कोई उपाय नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे कर्जों से छूटूंगा। मतलब मुझे तो लगता है मैं कर्ज में ही मरूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इसका। तो ऐसे पंडित जी से प्रश्न किया कि ये द्रव्य कर्म का बंद और इसके उदय में भाव कर्म, भाव कर्म से फिर उदय का द्रव्य कर्म, तो ऐसा चलती रहेगी तो कैसे अभाव होगा? तो उन्होंने कहा कि यदि बंद और उदय समान ही रहे तो तेरी बात सही है कि कभी भी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो ऐसे ही। परंतु अब बात दूसरी है कि यहाँ ऐसा नहीं है, जैसा उदय आता है वैसे ही भाव हो, मतलब पुराने द्रव्य कर्म के उदय के अनुसार ही अपने नए कर्म बनते हो, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो किसी को भी मोक्ष नहीं हो सकता। हर कर्म के उदय में नया कर्म का बंद हो ही तो कभी मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बंद और उदय सदा काल समान ही रहे सो बात नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो बंद और उदय समान रहे तब तो तू जो कहता है वैसे ही होगा, तू जो कहता है मतलब कभी मोक्ष का उपाय बन ही नहीं सकता। परंतु अब सुनो हमारी, मैंने यदि कर्जा और आमदनी बराबर हो तो तेरी बात सही है, लेकिन यदि आमदनी 10 पैसे भी ज्यादा हो, 1 रुपया भी यदि आमदनी ज्यादा हो तो थ्योरिटिकली वो आदमी कर्जे से मुक्त हो सकता है। हो सकता है ठीक इसी प्रकार यदि उदय काल में वैसा का वैसा बंद न हो, थोड़े ही कम हो जाए तो मुक्ति हो सकती है। जैसा उदय आया यदि वैसे ही बंद नहीं हुआ, तभी थोड़ा भी घटता हुआ हुआ, तो यदि आज थोड़ा घटता हुआ बंद हुआ, कल उसका उदय आएगा तो और घटता हुआ हो और फिर और घटता हुआ हो, ऐसे क्रम क्रम से उसका अभाव हो सकता है। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्ववत कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। माने परिणामों के निमित्त से पहले का बना हुआ कर्म उदय में आए तो उसकी शक्ति कम होती है, अपकर्षण हो सकता है, अपकर्षण माने उसकी शक्ति कम होना, और संक्रमण माने बताता पाप, उदय भी आया लेकिन पाप के उदय में पाप नहीं बता, पाप के उदय में पुण्य बांध लिया, तो संक्रमण में बदल गया हो और बढ़ भी सकता है उल्टा। अपन ने कोई चीज कम कर उदय थी कम का, लेकिन अपने परिणाम तीव्र संक्लेश रहे तो वो अधिक भी बन सकती, तीनों ही चीज हो सकती है। मतलब एज इट इज तो होता ही नहीं, जैसा उदय आए वैसे ही बदे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसमें हीनता भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है, उदय काय का है बांधे क्या, ये भी हो सकता है। साता का उदय साता ही बांधता है, कोई जरूरी नहीं। असाधा का उदय असाते ही भागता है, कोई जरूरी नहीं। क्यों? स्त्री वेद के उदय में स्त्री बंदे स्त्री वेदी बंदे कोई जरूरी नहीं, पुरुष वेद के उदय में पुरुष वेदी बंदे जरूरी नहीं, नपुंसक वेद के उदय में नपुंसक वेद बंदे जरूरी। मनुष्य गति का उदय है, मनुष्य गति बनती है अपने आप से, मनुष्य गति बांध रहे बैठे बैठे कौन सी गति बांध रहे,
बांधने की नहीं बांधने बैठे बैठे कुछ कहते क्या हमको क्या मालूम आप ही बता दो बांध रहे सबको गति बंद रही है सबको कौन सी बंद रही है अच्छी बताऊंगा चिंता गति तो बनती है 24 घंटे आयु कभी कभी बनती है आयु 8 अक्ष काल में बनती है गति का बंद सतत चला रहता है वो आयु के हिसाब से भी गति का उदय आता है एक गति का बंद सदा चलता है ये एक बदल बदल के चलता है या बैठे बैठे कोई नरक गति बांध सकता है नरक आयु नहीं बांधेगा नरक गति बांध सकता है बैठे बैठे बांध सकता है ये क्या है फिर भी बांध कर सकता है और सोच रहे हो भाव करेगा तो क्या बंधेगी नहीं किसी को डरा बना नहीं ना वो है ये सबसे बात है ये यदि अपने परिणाम इस रूप हो सकते हैं शुरू तो तत्काल कोटि गति बन सकती है यद्यपि वो गति बंदी आयु की बंदी तो भी चिंता की बात नहीं आयु चिंता की बात है तो इसलिए आयु भी काय का उदय चल रहा है अपने मनुष्य का उदय है और आयु कोई सी बांध सकते आयु भी कोई सी बांध सकते कहने का तात्पर्य मेरा एक ही है कि जिसका उदय होता है उसी का बंद होता है ये कोई नियम नहीं कुछ प्रकृतियां ऐसी है जरूर कि जिनका उदय और बंद मतलब ध्रुवोदय होती है कुछ ध्रुवबंदी होती है ध्रुवोदय मतलब निरंतर उनका उदय चला करता है और ध्रुवबंदी होती है उनका निरंतर बंद भी चला करता है और जो ध्रुवोदयी है और ध्रुवबंदी दोनों है तो ये जरूर है कि वो कुछ जैसे ज्ञानावरण का उदय भी निरंतर चल रहा है अपने को और ज्ञानावरण का बंद भी चल रहा है पांचों ज्ञानावरण का उदय है तो पांचों ज्ञानावरण का बंद है और दर्शनावरण दर्शनावरण सबका उदय है किसका उदय दर्शनावरण में दर्शनावरण कितनी है कितनी है दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियां हैं नौ है ना कौन कौन सी किस किस को याद है हाथ खड़ा करना इधर इधर नहीं याद है देखो बोलो याद नहीं है थोड़ी बहुत बता दो बाकी लोगों को याद आ जाएगी पीछे वाले हाँ और हाँ और ज्ञान आ गए दर्शन उसे सही बताए तो उसको दर्शन में बदल दो ना बोलो वापिस से मना बने नहीं होता है मना बने कोई दर्शन नहीं मना बने का जोड़ा मना बने का जोड़ा कोई दर्शन नहीं है बाकी केवल दर्शन है और एक और है बस अवधि दर्शन चार दर्शन हो गए और पांच निद्राएं हो गई कौन कौन सी रोज सोते हैं अभी जाके सब सोएंगे कौन सी नींद में सोओगे हैं किसी को आती क्या इश्तियाक लेती आती है किसी को नींद में ही चलने की आदत हो किसी की नींद में ही रसोई बनाना चालू कर देती सुबह सुबह की तैयारी ऐसी आदतें तो नहीं है ना कि चलना इश्तियाक वृद्धि होती है नींद में उठ के ऐसे ऐसे काम करा हाँ तो वो खतरनाक है निद्रा और प्रचला 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 और निद्रा निद्रा चार और निद्रा अब इनमें से कोई आती है अपने को जोन से भी आती है जिसकी जैसी आती है
कोई को कम नींद आती है, कोई को खूब आती है, उठाया नहीं उठता, और कोई नींद में ही क्रिकेट खेलता था, हाथ में चलते रहते फुटबॉल था, इधर से उधर उधर से हाथ में चलते रहते, लार बहती रहती है, मुख का हाथ पर कांपते रहते हैं, चलता है। किसी की नींद कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई थे जरा सी थकान होती है तभी नींद आती है, और कोई को तो कहीं बिठाओ यहाँ बिठा दो आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं, या तो क्लास में एक दिन दिखता है मेरे को ऐसा कि जिनको प्रवचन में जरूर नींद आती है, चाहे भगवान को बुला लो, मैंने तो अच्छे अच्छे प्रवचनकार को देख लिया उनको, वो बस लोग बैठेंगे, किसी यदि प्रवचनकार को बिल्कुल हतोत्साहित करना हो तो ऐसे श्रोताओं को चार पाँच खाते बिठा दो, वो बेचारा देख के ऐसे है कुछ लोग अपने एक दिन ये लगी है, मेरे को बड़ी खुशी है। क्या कुछ को आती है ऐसी बिना आती यही जाती है, बस पाँच मिनट से ज्यादा वो सो नहीं सकते, बस रुचि नहीं है ना, रुचि भी की कमी है, और घर गृहस्थी के अंदर काम खूब करते रहते हैं, दिन भर मिठाई नमकीन बनाते रहते हैं, यहाँ कैसे जाते हलवे की नहीं करेगा तो क्या होगा, सोएगा यहाँ साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू वाले या हलवाई दो काम है दिवाली के। तो यहाँ आके आराम से थकान वकान थोड़ा रिलीव आराम से चलता है, सोते रहते आराम खूब नींद आती है अच्छी बढ़िया। खैर तो वो जो है निद्रा 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 मतलब खूब नींद पे नींद आना, अल्प नींद आना निद्रा है, खेल आदि को दूर करने के लिए प्रचला आदि है, और नींद में हाथ पे मुँह चलना चलते रहना है प्रचला में। तो ये चार प्रकार की निद्रा है। तो अब अभी अपने को उदय किसका है बताओ, अभी इस समय किसका उदय, इस समय किसी का उदय नहीं, किसी को चल रहा हो तो बात मत बोले क्या होता, लेकिन इस समय किसी का उदय पांचों का उदय नहीं, लेकिन बंद है कि नहीं अपने को बताओ, बंद बंद उदय एक का भी नहीं है, बंद पांचों का है, पांचों बंद रही अपने साथ है, बंद तो पांचों का ही हो रहा है, निद्रा का भी, निद्रा निद्रा का भी, प्रचला का भी, प्रचला प्रचला का भी, और स्थान का भी, बंद थी पांच है, उदय में एक आएगी, आएगी भी तो उनकी तो नहीं भी आएगी, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है ये बंद और उदय का कि बिल्कुल जैसा बंद आएगा वैसे उदय होगा। जैसे मोदी का है, मोदी में कुछ प्रकृतियां ध्रुवबंदी है, ध्रुवोदय है, अब कुछ तो ध्रुवोदय है, मैंने ध्रुवोदय मैंने उनका उदय चलते ही रहेगा, जैसे अभी दर्शनावरण में कितनी ध्रुवोदय है, ध्रुवोदय मैंने निरंतर उदय चलते ही रहेगा, निरंतर उदय जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक उनका उदय चलता है, जब तक उनकी मंदिर उदय उनका उदय छुट्टी नहीं हो तब तक उदय चलता ही नहीं। तो ऐसी ये चार दर्शनावरण ये चारों ध्रुवोदय है, पांच ज्ञानावरण ध्रुवोदय है, और बंद भी इनका ध्रुव रूप से, पांचों ज्ञानावरण का ध्रुव बंद है, चारों दर्शनावरण का ध्रुव बंद है, लेकिन पांच दर्शनावरण ध्रुवबंदी तो है लेकिन ध्रुवोदय नहीं है, इनका उदय ध्रुव रूप से नहीं चलता है, लेकिन इनका बंद ध्रुव है, निरंतर चला करता, एक समय के लिए भी नहीं मिटता। मैंने कहा ना उदय उच्छुक्ति बंद उच्छुक्ति की हो जब तक तब तक, देखो मोक्ष प्राप्त कर ले, मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहे, संसार की बात, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने पर तो अनेकों की बंद उच्छुक्ति होती रहेगी, बंद उच्छुक्ति होते होते धीरे धीरे मोक्ष रहेगा, जिसकी मुक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है संसार मार्ग की उसकी बात है, वो तो फिर तो जब भी तो मुक्ति होगी, विच्छुत्ति निकलेगा तो मुक्ति कैसे होगी, बंद विच्छुत्ति हो जाती है, हर एक गुणस्थान में इतनी प्रकृति होगा बंद मिल जाता है, फिर इसका फिर इसका फिर इसका ऐसा। अब मोदी मोदी का होता है, मोदी में किस किस का उदय ध्रुव है, मोदी की प्रकृति मालूम है कितनी, मोदी के कितने भेद है,
हाँ आस पड़ोस से भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम उस बहाने याद लाए, यदि कुछ यदि हो तो अपने पड़ोस से पूछ लिया करो क्या है, कौन कौन सी बोली प्रकृति, हाँ दर्शन बोली और चाइल्ड बोली, दर्शन बोली के कितने भेद है, तीन, मिथ्या समझे मिथ्या में समझे, और चाइल्ड बोली के, चाइल्ड बोली के दो भेद है, कषाय वेदनी और दो कषाय, कषाय और दो कषाय, कषाय कितने भेद है, 16 और दो कषाय के 9, 16 और 9 25 और दर्शन होने की 3 28। अब बताओ सोच के चलो इसमें से उदय कितने का निरंतर चला करता है, विद्या दृष्टि जीव को किसका उदय निरंतर चला करता है, कितनी प्रकृति होगा, निरंतर ध्रुव रूप से उदय माने निरंतर जिसका उदय चलता ही रहेगा, जब तक वो मिथ्या दृष्टि है तब तक उनका उदय चलता ही रहेगा, एक समय के लिए भी उसका उदय नहीं रुकेगा, ऐसी मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं बताओ, और अरे उसमें क्या अपने अपन तो यहाँ कोई या कोई इंटरनेशनल एग्जाम तो नहीं हुई पूरी मोहनी की, दर्शन मोहनी चाहे मोहनी सब नहीं, समस्त मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का निरंतर उदय चला रहता है, कितने का 20, एक आंसर आया 20 और 16 और 19 और 21 और 17 और एक एक आंसर सबसे ले लो, कोई भी है सबका मतलब 28 का, 28 का उदय निरंतर क्या चलेगा, एक बात बताओ स्त्री वेद का भी और पुरुष वेद का भी, वो ये चर्चा है, चलो एक हिंट देता हूँ मैं, 6 का आंसर आया 26 कितना डिफरेंस है 22 और 19 एक ही केवल एक मिथ्या ऐसी प्रकृति है जिसका उदय निरंतर चला करता है, एक ही है, इसलिए मैंने कहा कोई मतलब ही नहीं इसमें मेहनत करने से, आप लोग माथा मारने मत करो, निरंतर मैंने ध्रुव ध्रुव बोला था ना जिसका उदय निरंतर चला, हाँ तो एक साथ वही ध्रुव वही तो हुआ निरंतर, ये निरंतर चलता है तो एक साथ भी कितने होते हैं, एक साथ के अंदर भी लगा लो तो भी एक का भी आंसर सही नहीं है, एक साथ का आंसर भी ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक साथ का उदय रहेगा तो 7 का या 8 का या 9 का या 10 का, चार केस बनते हैं, अच्छा 16 में से 4 ही चलेगी ना, 16 में से 4 ही चलेगी भाई, क्रोध मान माया लोग में से एक काल में एक ही का उदय होता है,
तो 12 तो यही माइनस हो जाती है, 16 में से 12 तो यही चली गई, क्योंकि जब क्रोध का उदय रहता है तो अनंतानुबंधी प्रत्याग्रहण प्रत्याग्रहण और संयोजन चारों की क्रोध का उदय रहेगा, अनंतानुबंधी क्रोध का प्रत्याग्रहण क्रोध का प्रत्याग्रहण क्रोध का संयोजन मान माया लोग का उदय नहीं रहेगा, एक काल में कषाय एक का उदय रहता है, चारों कषाय का उदय एक साथ नहीं होता, बदलती रहती है, अभी क्रोध का है फिर मान का जाए फिर माया का फिर लोभ का, तो एक काल में एक ही कषाय का उदय रहेगा, तो अब एक ही कषाय का रहेगा चार में से एक का, और चार जाति की कषाय है तो यदि क्रोध का उदय होगा तो चारों जाति की क्रोध कषाय का उदय होगा, मान का उदय होगा तो चारों प्रकार की मान का उदय होगा, माया का उदय होगा तो चारों की माया का उदय होगा, लोक का उदय होगा तो चारों लोक का उदय होगा, इसमें कितनी होगी चार, तो 12 माइनस हो गई कि नहीं। अच्छा सम्यक मिथ्या तो सम्यक का उदय तो मिथ्या दृष्टि को है ही, तो दो ये चली गई 14, तीन वेद में से एक समय में एक ही उदय रही, दो ये चली गई 16, हास्य रति में से हास्य शोक में से यदि शोक का उदय तो हास्य का नहीं हास्य का, रति अरति में रति है तो अरति, 16 और 2 ये चली गई कितनी हो गई 18 गई, और भय जुगुप्सा का उदय हो नहीं भी हो, चलो भय जुगुप्सा को ले भी लोगे दोनों का उदय हो तो भी 18 माइनस कर दी ना कितनी हो गई, दोनों उनका जोड़ा भी बिल्कुल इंडिविजुअल है तो 18 तो माइनस हो ही गई, तो अधिक से अधिक उदय कितने का हो सकता है, अरे 18 ही माइनस करी ना, टोटल 28 है, 18 माइनस करी तो कितनी बची 10, और भय चिकित्सा का ऐसा है कि उदय हो दोनों का और किसी एक का हो दोनों का ही नहीं हो, तो दोनों का उदय हो तो 10, किसी एक का हो तो 2, दोनों का नहीं हो तो 8, ऐसा है अभी आंसर आए थे किसी का, अभी जो 8 है तो 8 में भी 4 क्रोध पर मायल हो गए ना, तो 4 तो क्रोध पर मायल हो गए तो कभी क्रोध का कभी मान का कभी माया का कभी लोभ का, तो इसलिए ये 4 भी माइनस कर दो क्योंकि इनका भी सतत उदय नहीं निरंतर उदय नहीं, तो 8 में से 4 और चलेगी बची कितनी 4, अब तीन वेद में से किसी एक का चलेगा तो निरंतर तो ही चलेगा, कभी स्त्री वेद का कभी पुरुष वेद का कभी ना पुरुष वेद का, वेद का उदय भी निरंतर बदलता रहता है क्या, अरे इस पर्याय में तो अभी पर्याय बदल सकता ही नहीं, तो ये वेद भी गया, कभी हास्य से शोक हो सकता है शोक से हास्य हो सकता है, कभी रति हो सकती है कभी रति, 2 माइनस कर दो कितनी माइनस हो गई 4, 5 और 2 7 माइनस हो गई 8 में से बची कितनी 1, एक ही एक प्रकृति ऐसी है जिसका उदय निरंतर चला गया बस, बाकी मोदी की एक भी ऐसी जिसका निरंतर इसका एक समय में एक कषाय का, लेकिन वो बदल रही है ना, निरंतरता भी है, निरंतर क्रोध ही चले ऐसा नहीं है, निरंतर मां भी चले निरंतर माया ही निरंतर लोग ऐसा, लेकिन निरंतर मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का उदय निरंतर है, तीनों वेद में से वेद बदल सकते हैं, कभी स्त्री वेद का कभी पुरुष किसी पर्याय में स्त्री वेद का किसी पर्याय, लेकिन मिथ्यात्व का उदय सब पर्यायों में है, हास्य रति बदल जाती है, हास्य से शोक में आ जाता है शोक से रति से रति में रति से रति में, लेकिन मिथ्यात्व से कोई बदल के कह नहीं जाता, मिथ्यात्व मिथ्यात्व का उदय होता है, उसकी प्रतिपक्षी कुछ नहीं है, एक ही बराबर, इसलिए उदय जो है अधिक से अधिक 10 का होगा एक काल में, और एक सतत निरंतर उदय की बात करो तो एक ही प्रकृति केवल मिथ्या जिसका निरंतर उदय चलता है, बाकी एक ही 28 में से एक ही ध्रुव उदय एक ही है। अच्छा ध्रुव बनते कितनी है, चलो यदि काल में बोधि की कितनी प्रकृति निरंतर बनती रहती मिथ्या दृष्टि किसी काल में बंद नहीं बैठता, एक काल में मतलब एक एक एट ए टाइम मिथ्या दृष्टि को अधिक से अधिक कितनी प्रकृति बन सकती है बताओ, एट ए टाइम किसी एक समय, जैसे वो स्त्री वेद बांधेगा तो पुरुष वेद नपुंसक वेद का बंद नहीं होगा, बंद मिथ्या दृष्टि जीव एक समय में अधिक से अधिक कितनी प्रकृतियों का कर सकता बोधि की, अरे बोधि बोधि की आयु
होनी की अधिक से अधिक कितनी प्रकृतियों का बंध जीव करता है मिथ्या दृष्टि जीव एक समय में, एक समय में है जैसे तीन वेद है तो एक समय में तीनों वेद का बंध होगा क्या? एक समय में एक ही वेद का बंध होगा, दो का नहीं होगा। बताओ बताओ ऐसा है उदय भाई, उदय भाई एक कषाय उदय एक कषाय का हो भले लेकिन बंद चारों कषाय का होता है। आप बाय वन गेट फोर, कषाय एक करो क्रोध और बंधेगी चारों, क्रोध भी बंधेगी, मान भी बंधेगी, माया भी बंधेगी, लोभ भी बंधेगी। क्या मतलब अपने को तो यह निकालना है कि मिथ्या दृष्टि जीव को अधिक से अधिक बोलने की कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। अधिक से अधिक कितने का बंध होगा? अभी ध्रुवोदय छोड़ो, ध्रुव ध्रुव की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्रुव की बात बाद में। पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिथ्या दृष्टियों को बोनी की कितनी प्रकृतियों का बंध होता है एक समय में? कितनी है बताओ, कितनी बता दो फटाफट, आप लोगों को छोड़ना है मेरे को भी, कल की तैयारी करती है। आप कितनी है बताओ, आंसर है ना जो भी नंबर हो फटाफट करते हैं। बोलो भाई किसके आंसर है कितने? 21 और 22, इसमें बहुत क्लोज है एकदम, 22 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन कौन सी 22? हाँ और हास्य और शोक में से एक हट गया, रति अरति से एक हट गया और आगे वाले तीन प्रकृति में से दो हट गया। सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता, हास्य रति और अरति शोक इनके जोड़े में एक काल में एक ही बंध होगा। हास्य का होगा तो शोक का नहीं होगा, रति का होगा तो अरति का। दो वो भाई दो ये गई चार, तो दो वेद चली गई छः, एक वेद का ही बंद होगा, दो वेद का बंद नहीं होगा। छः चली गई 28 में से कितनी बची? 22। अब ये निकालो कि ध्रुव बंदी कितनी है जिनका बंद निरंतर चलते ही रहेगा मिथ्या दृष्टि। ध्रुव बंदी मतलब हर मिथ्या दृष्टि जीव को उतनी मिनिमम उतनी प्रकृति उन प्रकृतियों का बंद तो निरंतर चले गई, चाहे वो कैसे ही परिणाम करे उनका बंध चले गई, कम ज्यादा होता है उसमें, लेकिन उन उन प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि जीव को बंध निरंतर सतत चले गए। जैसे सतत उदय चला करता है वैसे उसके बंध भी सतत चला करता है। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है सर। 18, 20, 18, 17 और बस एक ही छोड़ दिया 19 कोई वो भी बोल दो वो सही है क्योंकि वो आंसर उन्नीस ध्रुव है इसमें। भाई जुगुप्सा का भी पंथ निरंतर चला था। एक कोई भी रहेगा भाई जुगुप्सा 16 कषाय और एक मिथ्या, इनका बंध मिथ्या दृष्टि जीव को सतत चला करता है 19 का। समझ में आया? नहीं आया? 16 कषाय एक मिथ्या कितनी हो गई? और भय जुगुप्सा, भय जुगुप्सा का बंध निरंतर है, उदय कभी कभी हो तो वेद निरंतर नहीं बनता ना, अभी अभी स्त्री वेद बांध रहा फिर पुरुष वेद बांध लग जाए फिर नपुंसक वेद तो चेंज हो जाता है ना वेद,
जिसका निरंतर भक्त रहे, मतलब कभी चेंज नहीं हो, तो 16 कषाय मिथ्यात् भय जुगुप्सा, इनका बंध निरंतर चला करता है। वेद में से कभी भी कोई से ही वेद का बंध हो सकता है, हास्य रति अरति शोक में से किसी का भी बंध हो सकता है, कभी रति का कभी अरति का, लेकिन ये जो 19 प्रवृत्तियां है ये फिक्स है, इनका बंध तो चलेंगे। चेंज होता है केवल तीन में, तीन जोड़े, मतलब तीन क्या है, जैसे तीन वेद हास्य रति अरति का जोड़ा, बस वो चेंज। 7 प्रकृतियों में है चेंजेस, बाकी ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है भाई। प्रकृति बंद नहीं होगी 26 से, तो 26 में से 7 में आपके पास चॉइस है कि 7 में से आप कभी कोई सी बांधो, लेकिन 19 तो फिक्स है, जो 19 तो बंधेगी वही बंधेगी। 7 में ये है कि तीन वेद में से कोई सा भी एक बांध लो, हास्य और शोक में कुछ एक बांध लो, रति अरति में एक बांध लो, 7 में आपके पास चॉइस है, बाकी कहीं चॉइस नहीं, 19 तो फिक्स है। ठीक है, बाकी और पढ़ के आना कल।